हाँ जी अब आपको आधे घंटे बैठना पड़ेगा। बंद करके बाहर हो जाइए। कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इनसे पूछ के ही कोई रूप की बात नहीं दिक्कत है। डॉक्टर अलग रूम में बैठे हैं, वो अलग रूम में कालकाजी इलाके की निगम पार्षद श्री मनप्रीत कौर कालकाजी जानते हैं क्या है ये और कैसे कैसे इसका चरण चलेंगे। निगम पार्षद और यहाँ हमारे इलाके में दूनी मार्केट हॉस्पिटल है, यहाँ पे COVID-19 का वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। जिनके 200 मरीजों को 200 जनता है वो इसका लाभ उठा रही है। 200 वैक्सीनेशन हर रोज से लग रहे हैं, जिनको ऑनलाइन जाकर लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और ये सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे। इसका लाभ यहाँ की जनता, इस दिल्ली की जनता सब उठा रही है, इसलिए हमारे 200 लोग रोजाना यहाँ पे इसका लाभ उठा पा रहे हैं। आइए हम सेंट्रल जोन की चेयरपर्सन श्रीमती पूनम भाटी जी से भी जानेंगे क्या इसकी रूपरेखा आगे की तैयार करी गई। श्रीमती पूनम भाटी जी हमारे साथ में, आइए जानते हैं किस तरीके की रूपरेखा उन्होंने तैयार करी है। कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, अगर कोई 60 साल से ऊपर है और उसे कोई बीमारी है, किसी तरीके की दिक्कत है, तो हम लोगों ने उनसे बोला हुआ है कि भी आप अपना वो बीमारी का पेपर लेके आए ताकि हमारे डॉक्टर्स उसको देख सके और फिर उसके बाद वैक्सीन लगा पाए। आप अपना आधार कार्ड साथ लेके आए, आप अपना मोबाइल साथ लेके आए और यहाँ पर हम लोग आकर उसे आधार कार्ड और एक मोबाइल होना बस जरूरी है, यही आकर हम उसे अटैच कर लेते हैं उसको और उसी से ही हम लोग वैक्सीन लगा लेते हैं। इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है? बिल्कुल, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ऑनलाइन आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अगर कोई ऑनलाइन नहीं भी करा पा रहा है तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में आप लोगों को पता है काफी लोगों को मोबाइल भी नहीं आता है चलाना, तो उन बुजुर्गों को भी कोई डरने की जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ पर बैठे उनके हेल्प के लिए। मैंने इसीलिए बताया कि अगर जिसको नहीं भी आता है और नहीं वो ऑनलाइन करा पाया तो वो अपना मोबाइल यहाँ पर ले आए, तो हमारी टीम यहाँ पर भी है, वो साथ के साथ आपको ऑनलाइन बुकिंग आप लोगों की खुद करेगी और खुद आपको लेके जाएगी और आपको वैक्सीन लगाएगी। और ऐसा भी नहीं है अगर आप अकेले आ रहे हैं तो कोई डरने की बात है, उसके लिए भी हमारी पूरी MCD की टीम यहाँ पर लगी। ये क्या सिर्फ कालकाजी वासियों के लिए सुविधा है या कोई भी दिल्ली जाकर यहाँ लगवा सकता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये खाली कालकाजी के लिए सुविधा है। ये जो हमारी SDMC में जितने भी वार्ड्स आते हैं ये सभी के लिए सुविधा है, कोई कहीं से भी आकर यहाँ पर लगा सकता है, ये पब्लिक हित के लिए काम है तो पब्लिक हित में कोई भी आ सकता है। श्री पूनम भाटी ने आपको बताया क्या इसका प्रोसेस है और किन किन को हम ये पहले चरण में वैक्सीन दे रहे हैं, अब यहाँ के डॉक्टर साहब से हम जानेंगे क्या क्या आपने इंतजाम करें, कैसे कैसे इसका इंतजाम आपने रखा है यहाँ पे। पूर्णिमा सिटी हॉस्पिटल साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है, यहाँ पे हमने जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है कोरोना वैक्सीनेशन की, उसका हमने वैक्सीनेशन सेंटर बनाया हुआ है और कोई भी आकर यहाँ पे जो कोई भी 60 से ऊपर के हैं या 45 से ऊपर को मॉर्बिडिटी है, कोई बीमारी है, वो आके यहाँ पे। सर ये पहला चरण है, कब से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है ये? हम जब से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ तब से हम कर रहे हैं और जैसे जैसे भारत सरकार का दिल्ली सरकार का आदेश आता रहता है एडवाइजरी जारी होती है वैसे वैसे हम काम करते हैं। लगभग कितने लोगों को आप वैक्सीनेशन दे चुके होंगे? सर डेली करीब 200 के आते हैं, जैसे कल 190 था, परसों 176 था, तो जैसे जैसे लोग आते हैं हम लोग करीब करीब उसका कवर करते हैं। डॉक्टर साहब, अब तक कितने लोगों को आप लगा रहे हैं, उसमें कितने लोगों को इसका साइड इफेक्ट हुआ होगा? फॉर्चुनेटली हमारे सेंटर पे अभी तक किसी को भी माइंड थोड़ा बहुत साइड पेन जो होता है वो सब हुआ है, अदरवाइज कोई गंभीर कोई भी एडवर्स रिएक्शन हमारे सेंटर से। और तो हमने इंतजाम पूरा रखा हुआ है, कोई भी ऐसी
इकट्ठा करती है तो हम उसको टैकल करते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए एकदम सारा इंतजाम। डॉक्टर राकेश नारायण, मैं सीएमओ हूँ। डॉक्टर राकेश मिश्रा जी ने कैसे आपको बताया कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन के लिए पूरी टीम है और अभी तक इस सेंटर पर किसी को भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, इसलिए बढ़ चढ़ करके आपको इसमें हिस्सा लेना चाहिए, सभी को कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए, ऐसा मानना है डॉक्टर मिश्रा जी का। सेंट्रल जोन की चेयरपर्सन श्रीमती श्रीमती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दौरा किया है। कैमरामैन सुभाष अरोड़ा के साथ मैं आप देख रहे हैं कैपिटल क्राइम न्यूज दिल्ली।